दोहु ठोड़ है एक तू और भया एक से दो। और गरीब दास जिसका चित्रण कर रहे हैं, गरीब दास हम कारण है तुम आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, और गरीब दास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। आप ही साहेब हो, साहेब माने परमात्मा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर समृद्ध। तुम साहेब तुम संत हो, एक रियल में जो संत के अंदर गुण होने चाहिए वो भी भगवान परमात्मा कबीर जी आप में विद्यमान है। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, सतगुरु यानी सच्चा ज्ञान देने वाले भी आप ही हो इस पृथ्वी पर। और तुम ही हंस, हंस माने एक सच्चा भक्त, एक रियल भक्त ने कैसे रहना चाहिए और कैसे उसकी क्रिया होनी चाहिए, किस प्रकार उसका सब आचरण हो, तो वो भी पूर्ण रूप से परमात्मा आप ही में चित्रार्थ हो रहा है। कैसे? जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेते हैं, तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं, फिर वो तत्वदर्शी संत से मिलने के उपरांत फिर वो उनकी क्या स्थिति होती है, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जो जरा और मरण यानी वृद्धावस्था के कहते हैं, वृद्धावस्था में जो दुख होता है प्राणी को, ये एक दुखों का पहाड़ टूटता है वृद्धावस्था, और फिर मृत्यु, इससे भी बुंडा का मृत्यु, सारा जीवन बच्चों को पालन पोषण में, कोठी बंगले बनाने में हम कितना श्रद्धा से लगते हैं, हर एक मिनट में मृत्यु हो जा, तो ये खाक है ये स्थान। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा कि जो जरा और मरण से छूटने का यानी इस काल के इस पहाड़ जैसे दुख से बचने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, वे तत् ब्रह्म तत्विदु अखिलम अध्यात्म च कृष्णम अध्यात्म च अखिलम कर्म च अखिलम, कि वो पूरे अध्यात्म मार्ग से परिचित हैं और उस परमात्मा तत् ब्रह्म से, परम अक्षर ब्रह्म से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित हैं। वही व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं तो वो फिर यहाँ की किसी वस्तु में रुचि नहीं रखते, किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, तो वो समर्थ परमात्मा जो सबका पालक, जिसके एक वचन से ये सब ब्रह्मांड रचे गए, पृथ्वी चांद सूर्य अपने अपने स्थान पर चक्कर लगाने लग गए, और वो परमात्मा एक झोंपड़ी में रहता काशी बनारस के अंदर कबीर देव, किस लिए कि एक भक्त को इतना ही पर्याप्त है, इससे अधिक जो डिमांड करता है तो वो ऐसा यात्री है भक्ति मार्ग का, जो यूं सोच रहा है कि मैं सफर भी करूं और सारे घर के कुर्सी मेज और सब के मैं ला दिलूं चौगुर्द चारों तरफ फिर चलूं सफर पर, वो कभी नहीं सफर तय कर सकता। तो यात्री हो आप इस भक्ति मार्ग के, तो भक्ति मार्ग के यात्री को एक अपना आवश्यक, अपनी आवश्यक वस्तुएं ही लेकर के सफर करना पड़ेगा, एक बैग टांग के उसमें जो भी आवश्यक वस्तु है टांग ले और बाकी सफर करे, और जो सारे नलाद के चालन की सोचो वो यात्री उदय नहीं फिर उसका जानेगा, यात्रा करना वो चाहता ही नहीं, वो तो बकवाद कर रहा है। तो उस परमात्मा ने फिर हमें क्या बताया है, एक रिहर्सल करके दिखाई है, हमारे को एक रोल किया है कि अगर यदि आप ऐसे विश्वासी होगे परमात्मा पर, इतना विश्वास करोगे
जैसा कबीर परमात्मा ने एक रोल करके दिखा, तो फिर बताया है कि भगवान आपके पल पल में साथ रहेगा, और कितनी भयंकर आपत्ति आ जाए वो आपके ऊपर आपका ना छू मंत्र कर देगा एक सेकंड में, आपने पता भी नहीं लागण देगा। और आप इस भय से डरते रहोगे कि अपनी चतुरता दिखाते हो भक्ति मार्ग पर जब सही संत के सन्माने के बाद, तो फिर आप असफल हो जाते हो। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और मैं बापूरा बूढ़न डरो रहा किनारे बैठ। तो परमात्मा कहते हैं जो विश्वास नहीं करते हमारे पर, तो वो बैठे हैं किनारे पर, और जिसने लाल खोजा उसने गोता मारना ही पड़ा। तो इसी प्रकार इस भक्ति रूपी इस दरिया में मोक्ष रूपी लाल खोजने के लिए आप जिन्हें निर्भय होकर परमात्मा के प्रत्येक वाणी को के वचन को पालन करना पड़ेगा। जो प्रसंग चल रहा था हम उसी पर आते हैं। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में ये स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं वो उस परमात्मा से तत्परम से सतलोक वाले मालिक से और पूर्ण ध्यात्म से और सभी कर्मों से परिचित है। तो यहाँ वो परमात्मा ने आकर के स्वयं ही बताया है। तो वो परमात्मा के क्या बताते हैं कि अक्सर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसके ऊपर को तो मूल है और नीचे को जो तना है जैसे पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है पेड़ का जो वो सारा कुछ वो पेड़ कहलाता है, वृक्ष कहलाता है। और उसका जो तुरंत जमीन के बाहर तुरंत जो मोटा हिस्सा होता है उसको तना कहते हैं, और उसके आगे फिर एक मोटी डार होती है, डार का फिर शाखा होती है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। ये देखिएगा एक चित्र है परमात्मा का बताया हुआ, ये रचा हुआ, ये समझो एक उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसके लिए परमात्मा ने क्या बताया है अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये पूरा पेड़ समझो, ये तना है, ये ऊपर जड़े हैं, ये तना है, ये मोटी डार है, ये तीन शाखा हैं, आगे ये पत्ते हैं, टहनी छोटी टहनियाँ हैं और पत्ते। तो परमात्मा ने क्या बताया है, ये इतना बताया है ये अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष है तना समझो इसका, इसको परब्रह्म भी कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष ब्रह्म ज्योत निरंजन वाकी डार, सरपुरुष वाकी डार और ये तीनों देवा शाखा हैं भाई पात रूप संसार। ये तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी ये तो शाखा हैं, और ये छोटी छोटी टहनियाँ समझो ये अन्य देवता, और हम हैं पात रूप संसार। अब ये मूल मूल कौन है ये ऑप्शन छोड़ गए परमात्मा, ये दास भेजा इसको बताने के लिए ये कौन है, ये जड़ कौन है, ये परमात्मा ये स्वयं परम अक्षर ब्रह्म हैं, ये कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, सारी सृष्टि के पालनहार हैं, संसार रूपी वृक्ष के ये मूल हैं। अपने आत्माओं 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र 1 से लेकर 4 तक समझो, इसका क्या सारांश है, उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष समझो, और ऊपर को तो जड़ है, ऊपर को जड़ माने
ऊपर वो मूल स्थान है जहाँ से सबकी उत्पत्ति हुई है, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक जिसे अनामी लोक भी कहते हैं, और वहाँ एक ही परमात्मा अन्य रूप धारण करके चारों लोकों में रहते हैं। कबीर देव और जो बनारस में काशी में स्वयं आए थे वही परमात्मा हैं ये। तो यहाँ क्या बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसकी जड़ समझो परम अक्षर ब्रह्म, तना अक्षर पुरुष है, और जो बोटी डार निकली वो सर पुरुष है, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी ये शाखा हैं, और हम हैं पात रूप संसार। तो यहाँ बताया है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद सभी विभाग बता देगा। स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। फिर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जब तत्वदर्शी संत मिल जावे, और उससे फिर वो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र ग्रहण करके इस अज्ञान रूपी अंधकार की गुत्थी को काट के उसको नाश करके उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते।